आज को अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि हमारा वाटर है क्या। हमारे पास जो वाटर है वो एक्चुअली में क्या है? तो वाटर हमारे पास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है जो कि दो तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। एक एटम का नाम है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरे वाले का नाम है ऑक्सीजन। ठीक हो गया। तो वाटर की फॉर्मेशन किस तरह से होगी कि हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे और साथ में हमारे पास आएगा एक ऑक्सीजन का एटम। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और वाटर हमारे पास क्या है? वाटर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब हम चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। तो पहला क्या पॉइंट बनेगा इसका कि वाटर इज ए मीडियम ऑफ लाइफ। आपको एक बात पता है कि हमारे जो लाइफ एग्जिस्ट की थी सबसे पहले, जो सबसे पहले प्रोटिस्ट बना था हमारे पास, वो कहाँ पर बना था? वो वाटर में बना था। तो सबसे पहले जो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, जो प्रोटिस्ट ने आगे सबसे पहले ज़िंदगी का आगाज़ किया था, वो प्रोटिस्ट कहाँ बना था? वो वाटर के अंदर बना था। और ये कहा जा रहा है कि वाटर के बगैर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वाटर क्या है? एक मीडियम है। किसका? लाइफ का मीडियम है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके अंदर ये वाटर जो है एक अबंडेंट कंपाउंड है। अब इसकी परसेंटेज बताई गई है कि कितने परसेंटेज जो है वो कितने ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम सोशल एनिमल्स हो गए, दूसरे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सब में जो वाटर की क्वांटिटी है वो भी डिफरेंट होती है। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि अबाउट 65 से लेके 89% तक वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक हो गया। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा इसका कि अबाउट 65 से लेके 89% तक जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाटर होता है। अगर एक पूरा ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर उसका जो पूरा वॉल्यूम है वो 100% है, तो उसमें से 65 से लेके 89% तो सिर्फ वाटर है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आएंगी, डिफरेंट और चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन इतना परसेंट जो है एक पूरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वाटर होता है। आगे हम देखते हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स एंड 85% इन ब्रेन सेल्स। आगे उन्होंने किसकी बात की हुई है? हमारी बात की हुई है, ह्यूमंस की बात की हुई है। तो तीसरा पॉइंट हम बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का पार्ट बनाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल परसेंटेज होती है वाटर की वो होती है 75%। जो टोटल परसेंटेज जो पूरे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो कितना होता है? 65% होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे जो बोन सेल्स हैं उसमें कितना परसेंट वाटर है? 20%। और हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उसमें कितने परसेंट वाटर पाया जाता है? उसमें तकरीबन 85% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो गया। इस पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म में 65% क्या है? वाटर है। ठीक हो गया। अब इस ऑर्गेनिज्म के बोन सेल्स में कितना परसेंट वाटर है? 20%। और इस ह्यूमन बीइंग के ब्रेन सेल्स में कितना परसेंट वाटर है? 85% जो है वो वाटर प्रेजेंट है।
आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ आ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो तमाम के तमाम कहाँ किसकी प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं. इट आल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज एन हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स ऐसे जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है. अब उन ज़्यादा वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम भी किसका है? वाटर का है. अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है सुक्रोज. सुक्रोज हमारे पास क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल है. अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये किस में हाइड्रोलाइज कर जाएगा? फ्रुक्टोज में प्लस ग्लूकोज में. और ये दोनों क्या है? ये हैं माइक्रो मॉलिक्यूल. तो देखा हमने कि कैसे सुक्रोज जो है, जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल था, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में. तो ये लाइन वैलिड हो गई कि ये किस में, इट इन मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस में भी वर्क करता है. इट इज़ आल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में भी ये एज अ रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ होता है. फोटोसिंथेसिस का हमारे पास फार्मूला हमें पता है. फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह ही 6 वाटर के मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो हमारे पास C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनेगा, प्लस 6 हमारे पास मॉलिक्यूल बनेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे. तो ये देखो वाटर है, ये फोटोसिंथेसिस का एक हमारे पास रिएक्शन है, ठीक हो गया. तो ये वाटर यूज़ हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल किस में? फोटोसिंथेसिस में भी ये एज अ रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है.